अधीक्षक मयंक अवस्थी के दिशा निर्देश पर कार्य करते हुए पुलिस ने जिले के सनसनीखेज अंधे कत्ल का खुलासा किया है। थाना प्रभारी रहटी निरीक्षक राजेश कहारे के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। बुधनी के रहटी थाना क्षेत्र के ग्राम खनपुरा निवासी फरियादी रानूबाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी थी, जहां पुलिस ने महिला की शिकायत पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया, जहां मुखबिर की सूचना एवं साइबर सेल से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर पुलिस ने आरोपी नार सिंह मंडलोई को गिरफ्तार किया है, जहाँ पूछताछ के बाद मामले का खुलासा हुआ। दिनांक 12 मार्च को ग्राम खनपुरा की रानूबाई जो फरियादियाँ इस प्रकरण की, इनके द्वारा सूचना दी गई कि रात को 9:30 बजे के आसपास सभी लोग जब घर पे थे तो घर के बाहर से कुछ बंदूक नुमा या पटाखा चलने जैसी आवाज़ आई थी। घर के बाहर उन्होंने आके देखा तो तीन व्यक्ति जो है बाइक से उन्हें भागते हुए दिखे, साथ ही उनका बेटा जो बाहर घर के बाहर ही सो रहा था। जब उन्होंने उसको चेक किया तो पाया कि उसके सर पे एक छोटा सा घाव है, और जब वो घाव पे देखा तो खून निकल रहा था। तत्काल उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस द्वारा और आसपास के ग्रामीणों की सहायता से जब उसको अस्पताल लाया गया तो उसको डॉक्टर ने मृत घोषित किया। पीएम के आधार पर पाया गया कि बालक की जो रोशन था उसके सर पर एक बंदूक से की गोली का एक चोट का निशान था। पीएम के आधार पर तत्काल अपराध कायम किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया गया। उनसे निर्देशन प्राप्त करके दो टीमों का गठन किया गया था। एक टीम हमारी लगातार साइबर एवं सीसीटीवी संबंधित साक्ष्य के पे काम कर रही थी, साथ ही दूसरी टीम जो गांव के लोग हैं एवं आसपास के क्षेत्र में मैदानी काम करते हुए सूचना को एकत्रित कर रही थी। और दोनों ही टीम की लगातार सतत कार्रवाई से कल दिनांक को हमें इस अपराध के जो आरोपी थे उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। बता दें कि आरोपी युवक ने पुरानी रंजिश के चलते युवक को मौत के घाट उतार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भैरुंडा।